गैंगस्टर राजू ठेठ मर्डर केस, पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, सभी पांच आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। राजस्थान के सीकर जिले में गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या के बाद पुलिस एक्शन के मूड में आ गई है, लिहाजा रविवार को पुलिस ने बताया कि हत्याकांड में शामिल सभी पांच आरोपियों को पकड़ लिया गया है, साथ ही हथियार और कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। इसके लिए पुलिस ने सीकर के कस्बे नीम का थाना में डाबरडोर गांव में दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। राजस्थान के सीकर जिले में गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। रविवार को पुलिस ने महानिदेशक ने बताया कि हत्याकांड में शामिल पांचों आरोपियों को पकड़ लिया गया है, साथ ही हथियार और कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। इससे पहले सीकर में कस्बे नीम के थाने का डाबला गांव में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया था। इसमें एक आरोपी रेकी में पुलिस था, जबकि दूसरे आरोपी ने फायरिंग की थी। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि हत्याकांड में शामिल सभी पांच आरोपियों को पकड़ लिया गया है। उन्होंने बताया कि सीकर जिले में के मनीष जाट और विकर गुर्जर पकड़े गए हैं, जबकि हरियाणा में भिवानी जिले के सतीश कुमार, जतिन मेघवाल और नवीन मेघवाल को पकड़ लिया गया है। इसके सभी हथियार और कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि सीकर में हुए इस हत्याकांड के पांच आरोपियों को मैं हथियार और गाड़ियों के गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले पुलिस ने जानकारी दी थी कि दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों रवि प्रकाश मेहरदा और जयपुर के अतिरिक्त पुलिस ने कहा कि उन्हें सीकर के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले पुलिस ने राजू ठेठ की हत्या में शामिल चार आरोपियों की पहचान कर ली थी। चारों शूटर हरियाणा के रहने वाले थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गैंगस्टर में शामिल चार आरोपी भी पहचान हिमांशु, सतीश, जतिन और नवीन उर्फ बाउंसर के रूप में हुई है, जबकि दो आरोपी हिमांशु और सतीश राजू ठेठ हाउस के सामने स्थित CLC कोचिंग में रजिस्ट्रेशन करवाया था। लॉरेंस ग्रुप ने हिस्ट्री रोहित गोदारा नाम से फेसबुक आईडी से इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। इसका जिक्र किया गया है कि